हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्म्स को। ये पार्ट टू है, पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। उसके साथ ही साथ IPC, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, इंडियन पॉलिटी सबकी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे कॉल करके फीडबैक देते हैं मेरे कंटेंट के बारे में। बहुत अच्छा और बहुत संतुष्टि महसूस होती है, क्योंकि जब पुणे से फ़ोन आता है, पंजाब से फ़ोन आता है, आंध्र प्रदेश से फ़ोन आता है, तो ऐसा लगता है कि इतने दूर दराज तक भी मेरा कंटेंट जा पा रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट मैगजीम है इप्से डिक्सिट। इसका मतलब होता है ही ओनली सेड इट, कि भाई उसी ने ही कहा था, तो इसको कहते हैं इप्से डिक्सिट। अगला है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया। तो लेक्स का मतलब होता है हमेशा दोस्तों लॉ, ये बात याद रखिएगा। नॉन का मतलब हुआ डजंट या नो। इम्पॉसिबलिया का मतलब ऑफकोर्स आप जानती है, इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, द लॉ डज नॉट कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज इम्पॉसिबल। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर ये बात की गई हो कि कुछ इम्पॉसिबल आपको परफॉर्म करना हो, तो उन एग्रीमेंट्स को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना जाता है। वैसे ये क्या कहते हैं, द लॉ डज नॉट कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज इम्पॉसिबल। जैसे मैं कह दूं मैं आपके लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, सिलेक्शन आपका जरूर करा सकता हूँ। तो इसको बोलेंगे कि द लॉ डज नॉट कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज इम्पॉसिबल। अगली बार अगला मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फैक्टे एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंशिया का मतलब इग्नोरेंस, फैक्टे का मतलब फैक्ट, एक्सक्यूजेट का मतलब एक्सक्यूजेबल, और जूरिस का मतलब मैंने ऊपर नहीं बताया है, लेक्स का भी मतलब लॉ होता है और जूरिस का मतलब भी लॉ होता है। तो ये क्या कहता है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे आप बाहर से आए, आप गोल्ड लेके आए, जबकि लॉ हमारे ये कहते हैं कि भाई आप 5 किलो से ज़्यादा सोना नहीं ला सकते बाहर से, पर आप ले आए 7 किलो सोना, तो अब आपको कस्टम डिपार्टमेंट डिटेन कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ignorance of fact is excusable। वही बात करते हैं एक और मैक्सिम की, जो कि है लिस पेंडिस, जिसका मतलब है पेंडिंग सूट। तो जैसे कि अब आपका और दूसरे बंदे का विवाद चल रहा है और वो ऑलरेडी पेंडिंग है सूट, तो उसको कहते हैं लिस पेंडिस। अब बात करते हैं एक और मैक्सिम की, जो कि है लोकस स्टैंडाई। स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि भाई मुझे ये राइट है टू रिप्रेजेंट दिस सूट, मुझे राइट है टू फाइल दिस सूट और फाइल दिस पिटिशन। जैसे कि हम जब रिट्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने जाना था कि भाई या तो आप फाइल कर सकते हैं वो पिटीशन, या आपका कोई रिलेटिव फाइल कर सकते हैं, फ्रेंड फाइल कर सकते हैं, पर जब से PIL आई है तो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है आपके बिहाफ पे पिटीशन। तो इसको कहते हैं ही हैज अ प्लेस ऑफ स्टैंडिंग, ही हैज द प्लेस टू फाइल दैट पिटीशन, इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। अब अगला मैक्सिम है लेक्स लॉकी। लेक्स का मतलब लॉ होता है, लॉकी का मतलब लैंड होता है। यहाँ पे लैंड लैंड लिखा है नहीं, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये टाइपिंग एरर है, ये लॉ ऑफ द लैंड इसको कहते हैं। लेक्स लोकी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। अगला मैक्सिम है डिटेन्यू। जब आप किसी का गुड्स रॉन्गफुली अपने पास रख लें जो कि किसी और का हो, उसे कहते हैं डिटेन्यू। ये एक फॉर्म ऑफ टॉर्च होता है, इसको हम जब टॉर्च पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप मैक्सिम याद रखिए जिसका मतलब होता है डिटेन्यू, मतलब रॉन्गफुली होल्डिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू समवन एल्स। अगली बात है कॉर्पस डिलिक्टी। इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द क्राइम। कॉर्पस का मतलब हमेशा बॉडी होता है, तो कॉर्पस डिलिक्टी का मतलब है बॉडी ऑफ द क्राइम। दोस्तों लीगल मैगजीन्स में मेरी प्रोनंसिएशन थोड़ी विचित्र हो सकती है, तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज करिएगा। ई इनक्यूबेट प्रोबेशियो क्यू डेट नॉन क्यू नेगेट। इसका मतलब है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द वन हु अफर्म्स एंड नॉट द वन हु डिनाइज। इसका मतलब ये है कि मैं अगर आप पे आरोप लगाऊं कि आपने चोरी की है, तो कोर्ट में जाके मुझे ये प्रूफ करना होगा कि हाँ आपने चोरी की है, ना कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि भाई मैंने चोरी नहीं की है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु अफर्म्स, जो किसी पे लालचन लगाता है। अगला है एसेंशियो मेंटियम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा होगा दैट जो ऑफरर है और जो एक्सेप्टर है, दे शुड एग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस। मैं आपको घोड़ा बेच रहा हूँ और आपने ये समझा कि मैं आपको गधा बेच रहा हूँ, यहाँ पे हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, क्योंकि हम सेम थिंग को सेम सेंस में एक्सेप्ट नहीं करें। तो इस टाइप के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड कहते हैं।
तो एसेंशियो मेंटियम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यू शुड एग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस। प्रो राटा इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन, मतलब जितना डैमेज हुआ आपको उसके हिसाब से आपको डैमेजेस दिए गए उस प्रोपोर्शन में। अगली बात है डॉली इनकैप एक्ट, जिसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जैसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो इनकेपेबल है ऑफ कमिटिंग द क्राइम क्योंकि मेंस रिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे 7 साल से कम का जो बच्चा होता है उसको भी डॉली इनकैप एक्ट माना जाता है एज पर आईपीसी, क्योंकि वो क्राइम नहीं कर सकता क्योंकि माना जाता है कि उसकी इतनी मेंटल मैच्योरिटी ही नहीं है कि वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके एक्ट्स के हैं उसको समझ पाए। अब हम जानते हैं कुछ लीगल टर्म्स को, जैसे डबल जीरो पार्टी, इसका मतलब क्या है, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। जब आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो डबल जीरो पार्टी के बारे में बात करते हैं, मतलब अगर आपको आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया गया मर्डर का और आपको सजा दे दी गई, अब 7 साल की सजा काट के आप वापस आ गए एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, तो फिर से वही बंदा नहीं जा सकता कि भाई फिर से इसको सजा दे दो, बिकॉज वंस यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड अगेन। कन्विक्टेड का मतलब जो आपको सजा हो जाए। एक्विटल मतलब कि भाई आपके ऊपर चार्जेस जो फ्रेम किए गए थे वो बाद में कोर्ट ने माना कि भाई आप इनोसेंट है तो आपको रिलीज कर दिया गया, कोर्ट ने आपको बाइजल बरी कर दिया गया, उसे कहते हैं एक्विटल। अब आते हैं एक्स पार्टे, एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि जब भी कोर्ट कोई जजमेंट प्रोनाउंस करे तो दोनों साइड की बातें सुने, दोनों साइड की दलीलें सुने, पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट संबंध देता रहता है दूसरी पार्टी को कि भाई आप आ जाओ, आपके खिलाफ इन्होंने ये फाइल किया है, आप आओ अपने आप को डिफेंड करो, आपको हम मौका देते हैं, संबंध किया आपको, पर बार बार संबंध देने के बाद भी आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो फिर कोर्ट क्या करती है, जिस पार्टी ने फाइल किया होता है उसके फेवर में जजमेंट पास कर देती है, तो इसको कहते हैं एक्स पार्टे, मतलब पासिंग द ऑर्डर विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी। अगला इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है आर्सन, जब आप किसी के घर को या किसी की प्रॉपर्टी को आग से जला देते हैं उसको आर्सन कहते हैं। एड हॉक का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको अपॉइंट किया जाए, जैसे आपने सुना होगा कि एड हॉक जज हैं, इनको इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है, तो एड हॉक का मतलब होता है फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एलिमनाई होता है कि जैसे कि आप ये मानिए कि डाइवोर्स हुआ या सेपरेशन हुआ आपका, तो अब दूसरी पार्टी को कोर्ट बोलेगी, हस्बैंड को बोले या वाइफ को, जो भी इनकेपेबल है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, उससे दूसरे बंदे को बोला जाएगा कि भाई आप इनको अब मेंटेनेंस देंगे कुछ। एलिमनाई और मेंटेनेंस दे आर कुछ हद तक दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर, पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो इसको कहते हैं एक तरीके से आप मेंटेनेंस ही समझिए। एलिमनाई इज अ फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस व्हिच इज टू बी पेड बाय वन स्पाउस टू अनदर व्हाइल दे आर सेपरेटेड। अगली बात आती है अप्रूवर की, एन एकम्प्लिस हु टर्न्स प्रोसिक्यूटर विटनेस। एकम्प्लिस कौन होता है, जो आपके साथ, जैसे मैंने और आपने मिलकर क्राइम किया, मैं पकड़ा गया आप भी पकड़े गए, तो आप एकम्प्लिस हुए, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए एकम्प्लिस हुए, हमने साथ में वो क्राइम किया था, पर जैसे मैंने और आपने क्राइम किया, पर आप क्या करें, आप सरकारी गवाह बन जाएं ये सोच के कि भाई आपकी सजा कम दी जाएगी आपको, तो ये सोच के आप सरकारी गवाह बन गए और मेरे खिलाफ गवाही दी, तो आप अप्रूवर बन गए यार। केवियट, केवियट का मतलब होता है वार्निंग, केवियट एम्प्टर, केवियट वेंडिटर आपने सुना होगा, लेट द बायर बीवेयर, लेट द सेलर बीवेयर, तो केवियट एक फॉर्म की वार्निंग होती है। चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि थेफ्ट जो है वो खाली मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही कमिट किया जा सकता है, तो चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव कर सकते हैं, जो कि लैंड से परमानेंटली अटैच नहीं होती है। ड्यूरेस का मतलब है एक्ट डन अंडर थ्रेट और फियर, मतलब मैं आपके ऊपर थ्रेट, आपको थ्रेटिंग करूँ या आपके ऊपर कुछ डर बिठाऊं और आपको बोलूं कि अब आप ये पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म करो, तो उसको कहते हैं ड्यूरेस। दोस्तों ये लीगल मैगजीन का पार्ट 2 था, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। चैनल पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेहतरीन पसंद आ रहा है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और आपकी तरह चैनल को फैलाइए। थैंक यू सो मच।